हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगजीत एंड वेलकम यू ऑल ऑन योरपीडिया एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, जो हमारा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का और वी कैन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी केमिकल सीएस एंड कुछ ही दिनों में सिविल भी स्टार्ट होने वाला है, तो होलिस्टिक जो हमारा कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन गेट 2020 के लिए चल रहा, आई होप आप उसका बेनिफिट उठा रहे होंगे एंड अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर रहे होंगे। ओके, एंड उसी के अंदर जो मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, रेडिएशन कंप्लीट सॉरी हीट ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है एंड इसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिकल वाइब्रेशन स्टार्ट होगा एंड विजेंद्र सर का फ्लूइड मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थर्मोडायनेमिक्स पैरेलली कंटिन्यू चल रहा है। ओके, सो आज जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे NTMM, दैट इज नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड, एंड ये 12th वीडियो है प्रोडक्शन का, जो 11 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं उसको आप लोग देख लो। अगर आपने नहीं देखा तो आपसे 132-140 क्वेश्चन प्रोडक्शन के हो जाएंगे, और अगर आपने ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, अगर आपको नहीं भी आते, क्योंकि ये वीडियोस 40 मिनट 50 मिनट का क्यों बन जाता है, बिकॉज इसमें आपका कंसेप्ट भी पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि कैसे आया क्या है, तो ऐसा बोल सकते हैं थ्योरी पार्ट भी कवर हो ही जाता है ऑलमोस्ट। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया 10% प्रोडक्शन का, उसके बाद आप इस वीडियो को देख रहे हो तब भी आप टैकल कर लोगे। ओके, एंड सेकेंडली इस वीडियो को शेयर जरूर किया करो, सो दैट कि जो आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता चले कि हाँ यार अवेलेबिलिटी है अच्छे क्वेश्चंस का, और उनको भी फायदा हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड है हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग से, पैरामीटर्स ऑफ आरसी सर्किट विद ईडीएम आर गिवन बिलो, रेसिस्टेंस 10 ओम, कैपेसिटेंस 400 ओम फैराडे, एंड आपके पास कितना है ये डिस्चार्ज वोल्टेज इक्वल टू 0.5 वी नॉट। वी नॉट क्या है यहां पे, ओपन सर्किट वोल्टेज, एंड वीडी क्या है डिस्चार्ज, तो ये है ओपन सर्किट वोल्टेज। ओके, तो ओपन सर्किट वोल्टेज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पार्किंग इज, अब हमें पता है दैट फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/ टाइम, अब ये कौन सा टाइम है इसी का ये क्वेश्चन है। अगर आपने ये टाइम कैलकुलेट कर लिया तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लोगे, एंड ये टाइम का थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूं, यहां पे है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का मीनिंग होता है रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट, और ये कुछ ऐसा होता है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज वोल्टेज एंड ये है ओपन सर्किट वोल्टेज। पहले कैपेसिटर होगा चार्ज, ओके, ये है चार्जिंग, एंड देन एक टाइम पे डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की चार्जिंग एंड देन डिस्चार्जिंग, एंड ये डिस्चार्ज करके पूरी एनर्जी किसको देगा, वर्क पीस को, एंड वहां से आपका मटेरियल मूवर रेट हो जाएगा। ओके, वेपोरेशन के साथ, फ्यूजन एंड वेपोरेशन जिसको बोलते हैं हम, तो जितना ये एक टाइम लगा एक स्पार्क के लिए उसको बोलते हैं स्पार्किंग टाइम, और वी कैन से एक साइकिल है जो, ओके, और इसी साइकिल को 1/ कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पार्किंग आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है सेकंड मशीन जो इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ईसीएम, ए बाइनरी अलॉय इज मशीन्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स, कैलकुलेट द मटेरियल मूवमेंट रेट इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, करंट आपको गिवन है 1000 एम्पियर एंड फैराडेज कांस्टेंट 96550, एंड यहां पे अगर आप देखोगे तो आयरन प्लस क्रोमियम का ये बाइनरी लॉ है, बाइनरी का मीनिंग दो को जोड़ के जो बना होगा। ओके, तो आयरन प्लस क्रोमियम, उसका एटॉमिक वेट, वैलेंसी, डेंसिटी एंड परसेंटेज कितना है, 80% आयरन एंड 20% क्रोमियम आपने मिक्स किया हुआ है। ओके, तो उसको मिक्स करने के बाद जो अलॉय बना उसकी मशीनिंग आप कर रहे हो। ओके, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अब यहां पे देख लेना, ये जो आपको मटेरियल मूवमेंट रेट पूछा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में, ऐसे ही मटेरियल मूवमेंट रेट ग्राम पर सेकंड में भी निकालते हैं। एक बार ऐसा भी हो सकता है कि प्योर मेटल के लिए, और ऐसा भी हो सकता है अलॉय के लिए, तो 3-4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं, जिन सभी का कंसेप्ट जो मैंने इस मशीन को डिटेल्ड में मैंने सोल्यूशन वाला वीडियो जो निम्बस लर्निंग चैनल है उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, बिल्कुल नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, और सिंपली यूट्यूब के ऊपर जाके निम्बस लर्निंग सर्च करोगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, गेट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियर और जो भी आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच है उसमें देख सकते हो जाके। ओके, सो उसका सॉल्यूशन जरूर देख लेना अगर आपको इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ईसीएम इज परफॉर्म्ड टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम आयरन वर्कपीस हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, करंट फ्लो 1000 एम्पियर, रेसिस्टेंस 100 माइक्रो ओम, डेंसिटी 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्पेसिफिक हीट 1 जूल, यहां पे जूल आना चाहिए एक्चुअल में। ओके, सो करेक्शन लगा देना थोड़ा आप यहां पे, स्पेसिफिक हीट जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर राइज 40 डिग्री सेल्सियस, हीट लॉस 10 जूल, कैलकुलेट द फ्लो ऑफ कूलेंट रिक्वायर्ड सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो जब आप बात करते हो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की तो वहां पे आप कूलेंट को भी फ्लो करवाते हो, इलेक्ट्रोलाइट को जिसको बोलते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट का कितना फ्लो रेट चाहिए आपको, कितनी वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक मिनट में फ्लो कर देना चाहिए, सो दैट टेम्परेचर राइज 40 डिग्री हो, उससे ज्यादा राइज ना हो, ऐसे कुछ क्वेश्चन है ये। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंड अच्छा क्वेश्चन है ये, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इन ईसीएम ड्यूरिंग मशीनिंग
टूल मूव फ्रॉम पोजिशन वन टू पोजिशन टू इन 10 सेकेंड, प्रोड्यूसिंग एन इलिप्टिकल होल ऑफ सेमी मेजर एंड माइनर एक्सेस, सेमी माइनर एक्सेस आएगा यहां पे, सेमी माइनर एक्सेस 20 mm एंड 10 mm एज शोन इफ डेंसिटी ऑफ मटीरियल इज 4.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहां पे सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इसको करेक्ट कर लेना, देन कैलकुलेट द मटीरियल रिमूवल रेट इन ग्राम पर सेकेंड। किस में आपको आंसर पूछ रहा है ये आपने थोड़ा ध्यान में रखना है, अदरवाइज गेट में यहां पे मिस्टेक हो सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इफ ए बी सी कॉमा डी रिप्रेजेंट ट्रांसड्यूसर कंसंट्रेटर कॉमा टूल एंड जनरेटर, देन अरेंज देम एज दे यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। तो अल्ट्रासोनिक मशीन के ये कुछ चार पार्ट्स हैं, जैसे मशीन के साथ होते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक वैसे ही आपने अरेंज करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, अनदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एंड इसी लाइंस के ऊपर हर साल क्वेश्चन आपको पूछता भी है। लिस्ट वन के अंदर आपने मशीन्स एंड लिस्ट टू के अंदर मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल रेट आपने बोला है। ओके, सो पी लेथ, क्यू ईसीएम, आर ईडीएम एंड एस अब्रेसिव जेट मशीनिंग, एंड लिस्ट टू के अंदर मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल रेट के अंदर वन है आयरन डिस्प्लेसमेंट, टू है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, थ्री इरोजन, फोर है फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, एंड डी है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के अंदर क्या होता है, जब डिस्चार्ज होगा तो मटेरियल वहां से इवेपोरेट हो जाएगा फ्यूज होके। ओके, तो वो इवेपोरेशन एंड फ्यूजन, तो आर का तो आंसर डायरेक्टली लगा सकते हो फोर आप, बाकी आप देख लेना कैसे आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन आपके पास अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग ऑपरेशन फॉर ड्रिलिंग ए स्क्वेयर होल ऑफ 10 mm इन लो कार्बन स्टील प्लेट ऑफ 5 mm थिक ब्रास ट्यूल एंड केरोसिन आर यूज्ड। तो उसके अंदर आप लोग डाइलेक्ट्रिक भी यूज करते हो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के अंदर, अगर आपने उसका थ्योरी डिटेल में पढ़ा है। द रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ रिलैक्सेशन सर्किट, आरसी सर्किट के पैरामीटर्स, रेसिस्टेंस है 50 ओम एंड कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेरेड रिस्पेक्टिवली, द गैप इज मेंटेन्ड सच दैट ए वैल्यू दैट द डिस्चार्ज टेक प्लेस एट 150 वोल्ट, इफ द साइकिल टाइम फॉर पावर सप्लाई इज 0.7 मिली सेकेंड, द एवरेज पावर कंजम्पशन और इनपुट इन किलो वॉट फॉर ईडीएम प्रोसेस इज। अब साइकिल टाइम की बात मैंने आपको बताई है, दैट एक डिस्चार्ज के लिए कितना टाइम लगेगा उसको साइकिल टाइम बोलते हैं, चार्जिंग प्लस डिस्चार्ज उसका साइकिल हो जाएगा एक। एट्थ क्वेश्चन इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम ईसीएम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग से, इन ईसीएम प्रोसेस फॉर मशीनिंग आयरन इट इज डिसायरेबल टू ऑब्टेन ए मेटल रिमूवल रेट ऑफ 1 cm³ पर मिनट। ओके, अज्यूमिंग दैट अटोमिक वेट ऑफ आयरन, अटोमिक वेट ऑफ आयरन यहां पे 56 आएगा, ये मिस प्रिंटिंग है 56। ओके, 56 अज्यूम कर लेना आपने, ये वैलेंसी एट विच डिसोल्यूशन अकर टू, डेंसिटी ऑफ आयरन 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड फेरेड इज कॉन्स्टेंट 1609 एम्पियर मिनट, देन द अटोमिक अमाउंट ऑफ करंट फॉर द प्रोसेस इन एम्पियर वो आपने कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड मटेरियल रिमूवल रेट इन ग्राम पर मिनट इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग फॉर आयरन सरफेस ऑफ डायमेंशंस 30 × 10 mm² ऑन फॉलोइंग पैरामीटर। तो ये एमएम में गिवन है एंड इलेक्ट्रोड गैप, इंटर इलेक्ट्रोड का मीनिंग क्या है, वर्क पीस एंड इलेक्ट्रोड के बीच में गैप कितना मेंटेन्ड है जहां से इलेक्ट्रोलाइट फ्लो करता है। ओके, So, वो है 0.1 mm, अटोमिक वेट ऑफ आयरन 55.85, लास्ट में 56 था, वैलेंसी ऑफ आयरन 2, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 0.25 ओम, मीटर इनवर्स आएगा यहां पे मीटर इनवर्स। ओके, थोड़ा यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वोल्टेज 20 वोल्ट, तो आपने आंसर निकालना है ग्राम पर मिनट में। एंड लास्ट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग अब्रेसिव जेट मशीनिंग, विद इंक्रीज इन मिक्सिंग रेशियो मटीरियल रिमूवल रेट इनक्रीजिंग, मिक्सिंग रेशियो क्या होती है अगर आपको उसका आइडिया तो शायद इसका आंसर आप लगा पाओगे, विद इंक्रीज इन मिक्सिंग रेशियो मटीरियल रिमूवल रेट डिक्रीजेज, विद इंक्रीज इन मिक्सिंग रेशियो मटीरियल रिमूवल रेट फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, विद इंक्रीज इन मटीरियल मिक्सिंग रेशियो मटीरियल रिमूवल रेट फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीज। तो इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, डिक्रीज करके इंक्रीज करता है कि इंक्रीज करके डिक्रीज करता है, इसका आंसर आपने यहां पे लगाना है। ओके, सो फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फ्रॉम द टॉपिक नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे एंड इसको प्रैक्टिस करो, जितना भी आपके मार्क्स आते हैं उसको जितना भी आपने हिट किया, 7 to 8, 9 मार्क्स भी आ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट के, तो उनकी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, वो आपको कमेंट करके बताया करो, सो दैट बाकियों को भी मोटिवेशन मिले कि यार
इतने मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट के, ओके okay. और एक हेल्थी कंपटीशन बना रहे हैं आपका कमेंट सेक्शन के अंदर भी, ओके okay. नाउ नेक्स्ट हम लोग वीडियो के अंदर मेट्रोलॉजी का एंड जो जायरोस्कोप वाला आपने बोला हुआ है उसको भी मैं एक थ्योरेटिकल वीडियो अपलोड करने वाला हूं फ्रेंड्स नेक्स्ट टेस्ट के अंदर, मिलते हैं तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।